स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और भाई अभी हम लोग हैं अगेंस्ट इस बंदे के। एक्चुअली बैटल दिखाने लायक नहीं है, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी एक छोटी सी गलती आपको स्टेलस के अगेंस्ट हार दे देती है। एक्चुअली मैं ढूंढ किसी और को रहा था, उसके लिए मैं रियल टीम लेके जा रहा था, पर ये बंदा मेरे को बार बार मिल रहा था और ये बार बार मेरे लिए आ रहा था वर्ल्ड लीग में, और मैं बार बार एस्केप कर रहा था क्योंकि मैं पक चुका हूँ ऐसे हर दिन स्पाइक्स डार्क बॉल डाल डाल के और स्टीलिंग सलगैलियों से लिया के। मेरे को अच्छे अच्छे ओपोनेंट चाहिए थे क्योंकि बहुत दिन बाद मैं सही से वर्ल्ड लीग खेल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ सही से खेलूँ और मैं किसी को ढूंढ भी रहा हूँ। जब तक वो मेरे को मिलता नहीं तो मेरे को बार बार रियल टीम लेके जाना पड़ेगा, पर तब तक मैं ऐसे तो वेला नहीं बैठ सकता, किसी को पॉइंट दे नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि अपने स्टील टीम लेके आते हैं और इसे लड़ते हैं। गलती ये हो गई कि मैं स्पेशल डिफेंस जीरियम्स नहीं लगा, और जब मैं स्टील टीम यूज़ करता हूँ तो मैं पूरा नेट कैरेक्टर के साथ डिफेंस ज़्यादा लेने के लिए पूरा डिफेंस डाल देता हूँ, जिससे डिफेंस हमको गॉड लेवल की मिलती हो। और इस बंदे के अगेंस्ट प्रॉब्लम ये था कि ये टोटल स्पेशल अटैक यूज़र ही था, अदर देन इसके इस फोर्ट्रेस के कोई साथ अटैकर है ही नहीं। तो जल्दी से उसका फोर्ट्रेस आया और जो पहले स्पाइक्स डालता है वही जीतता है। ये स्टेलस का एक बहुत अच्छा रूल है, और जिसने ज़्यादा स्पाइक्स डाल दिए वो पक्का जीत जाएगा। दो से ज़्यादा अगर आपने डाल दिए तो आपकी ये जीत है, कोई माइक्रोलाल जीत नहीं सकता उसके बाद। मैंने सीधा स्पाइक्स डाला, रैपिड स्पिन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए, क्योंकि गेंगार ही आएगा, रैपिड स्पिन वेस्ट हो जाएगा। और उसने एक बार स्पाइक्स डाला है तो मेरे को भी डालना पड़ेगा। अब रॉक टूम और उसके बाद मैं जीमूव लगाऊंगा। पहले ही टॉन्ट पड़ गया, अच्छा हुआ टॉन्ट ही पड़ा, नहीं तो अगर ये नहीं पड़ता रॉक टूम लगाने के बाद तेज़ हो जाता ये ऐसे और ये ज़िंदा है। मेरे को लगा कर्स शायद ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, पर लेवल 4-5 जीरो मूव से अब इतना इफेक्ट हो रहा है, 4 शायद 3-4 पे ही होगा और 3 स्टार ही है इसका अटैक, पर मेरे को साथ ध्यान देना चाहिए। पर कोई ना, ये तो बस ऐसे स्टील टीम का हिस्सा है तो इस पर ज़्यादा काम करने जरूरत है नहीं। तो फोर्ट्रेस R2 बनाओ या मेगा वीकेंड या फिर सिर्फ मेगा या फिर एक काम, तो उसे बस स्पाइक से डालने करना है, तो ज़्यादा मेहनत करके कोई फ़ायदा है नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको स्लो कर दिया और दो बार स्पाइस डाल दिया पर फोर्ट्रेस हो चुका है डेड। ये शायद आगे चल किसी पोकेमॉन का जीमू वेस्ट करने काम आ भी सकता था, पर उसके टीम में ज़्यादा अटैकर रहे नहीं है। तो मैं जल्दी से काम करता हूँ, अपने मोबाइल को भेजता हूँ। ऐसा मैं नॉर्मली करता नहीं, मैं इतना जल्दी अपने अटैकर्स को नहीं भेजता, पर आज मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। सामने म्यूटू है तो मेरे को जल्दी चेंज कर देना चाहिए, सलगैलियो लेके आना चाहिए क्योंकि इसका जीमूव जो है वो डैमेज दे सकता है ज़्यादा। तो मैंने सलगैलियो भेज दिया। यहाँ से आपको पता चलेगा स्टील टाइप जीमूव कितना ज़्यादा डैमेज देगा मेरे को, ये देखो इतना नहीं देना चाहिए पर फिर भी बहुत था। अब मैं जल्दी से लेके आता हूँ अपने डार्क राय को, क्योंकि साइकिक मूव जो आएगा उसे वेस्ट कर सकता है। आर्ट मूव साइकिक ऐसे ही कुछ होना चाहिए, और इसके पास ऑरा स्फीयर था तो भाई मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं था कि ऑरा स्फीयर, मेरे को लगा साइकिक आएगा आर्ट मूव आएगा और प्रोटेक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा या फिर रिकवर। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन गिरा मेरे लिए और ये पूरा खा गया मेरे को, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं करता कि अगर मेरे को पता होता तो। और ये भी देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंका हूँ, ये सिर्फ एक आर्ट म्यूटू मेरे मोबाइल से ज़्यादा तेज़ है। अब मेरे को जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देना चाहिए, लेके आना चाहिए अपने स्टीलिंग्स को ताकि आर्ट मूव ये झेल पाए और ड्रैगन टेल लगा पाए। अब फिर से ऑरा स्फीयर इसके पास है तो ये मर ही जाएगा, तो मैं सलगैलियो भेज सकता हूँ। मैंने वही करना ज़्यादा सही समझा क्योंकि वही ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। मैंने जैसे अपने सलगैलियो भेजा, सामने फोर्ट्रेस आया। अब मैं यहाँ गेंगार लेके आ सकता हूँ पर ये मैं हार मानता हूँ क्योंकि हाँ ये शायद टाइम टेकिंग होगा, वो रैपिड्स में लगा क्लियर भी कर देगा, स्पाइक्स भी डाल देगा और मेरा ही खात्मा होना है, तो इसे स्किप कर देते हैं। मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, जाने देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टेल किया जाता है, अगर आप स्टेलर हो तो हम भी कम नहीं है। और कोई स्टेलर हम पे स्टेल करके खुश खुश निकल जाए ऐसा नहीं होगा, उसे मैं रुला के छोड़ता हूँ। आज तक जितने भी इतिहास गवाए वर्ल्ड में, जितने लोगों ने मेरे अगेंस्ट स्टेल किया ना गंदा, मैं उनके अगेंस्ट उससे भी ज़्यादा गंदा स्टेल करके हराता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे गंदा स्टेल किया जाता है। इससे पहले वाला फर्स्ट टाइम जीता मेरे अगेंस्ट शायद मे बी, या फिर सेकेंड टाइम, पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जीत होती है और स्टेल कैसे किया जाता है। स्टार्टिंग से ही मैंने उसका जीमू वेस्ट करने का सोच लिया, मैंने सलगैलियो भेज दिया। नेस्टी प्लॉट के बाद सीधा फ्लैश कैनन यूज़ किया गया, उससे ऐसा लगा ही था कि मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा, पर मैं जल्दी से एक बार फ्लेम चार्ज लगाता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, रिस्क नहीं लेने वाला, पिछले बार डार्क राय के चलते मर गया, क्योंकि मेरा डार्क राय मर गया मतलब उसका डार्क राय मतलब हावी हो जाएगा, क्योंकि वो तेज़ तो होगा ही ऑब्वियसली। जब तक बेस्ट इक्विप नहीं लगाता मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। स्टिक लगाने के बाद मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डार्क राय की ज़्यादा जरूरत होगी भी नहीं, पर उससे पहले मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक और बार मैं बल्क अप कर लेता हूँ या फिर थोड़ा अटैक करता हूँ। मैंने फ्लेम चार्ज लगाया पर सामने आ चुका उसका सलगैलियो। सही वक्त है मेरे को अपने गेंगार को लेकर आने का, पर मैं फोर्ट्रेस लेके आता हूँ। क्यों? मेरे को लग रहा है ना वो भी अपना जल्दी से शायद कोई अलग पोकेमॉन लेके आएगा, जैसे लुकारियो वगैरह, तो वैसे अगर आता है या फिर म्यूटू आता है तो मेरे लिए चांस होंगे स्पाइक्स लगाने का। ये आया लुकारियो, तो मैं स्पाइक्स यहाँ पर आराम से लगा सकता हूँ और मैंने लगा भी दिया। ये पड़ गया स्पाइक्स, अब उसका आर्टू मूव आएगा, आता भी है तो जाने देते हैं, एक और बार स्पाइक्स लगाते हैं। पर नहीं, गेंगार, ये सही वक्त है क्योंकि इससे पहले मैंने इसे नॉक ऑफ लगाया था, बस वोला वेस ये लगाना है मेरे को और कुछ नहीं। जैसे इसका जीमू वेस्ट हो गया, अब ये लुकारियो किसी काम का नहीं रहा, आराम से गेंगार मार सकता है। अतमरा तो
करके छोड़ूंगा इसको मैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये ओलो इस लग गया और ये लुकायु घर गया, बस रेस्ट लगा रहता हूँ ताकि एचपी थोड़ी रिकवर हो जाए। जब जब मैं रेस्ट लगाता हूँ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, एक और मिराकल बेरी वेस्ट हुई। पर कोई ना, जल्दी से सलगियाली लेके आता हूँ और आराम से इंतज़ार करते हैं इस लुकायु का डेड होने का। एक बार स्पाइक्स मैंने डाल दिया तो अच्छी बात है, जब जब वो पोकेमॉन चेंज करेगा उसे डैमेज पड़ेगा, और उसकी टीम में आधा से ज़्यादा स्टील टीम ही है, मतलब चार स्टील टाइप पोकेमॉन्स हैं, तो डैमेज तो सबको बराबर ही मिलेगा। स्लैथरॉक लगा सकता था, पर स्टील टाइप पोकेमॉन्स को घंटा ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता उससे, उससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए या फिर उसके लिए स्पाइक्स ही रहेगा जो ग्राउंड टाइप है। एक अर्थ को एक लगाना चाहूँगा, पर फिलहाल बल्कअप अब उसके बाद उसको, क्योंकि टॉन्ट अगर आता है तो कर्स करेंगे हिम्मत नहीं होगी उसमें, अगर वो करेगा भी तो डैमेज पड़ेगा ही। अब मैं सीधा अर्थ को एक लगाता हूँ कि अगर कर्स करता है तो साथ ही में मर जाएगा, कर्स करेगा आधा एच पी जाएगा और बाकी आधा अर्थ को एक खा जाएगा। सामने आया फोर्ट्रेस, एक अर्थ को एक सीधा जी मुंह मारूंगा, फ्लिंच कर देगा, डिफेंस माइनस टू कर देगा। अगर पोकेमॉन चेंज कर दे तो गरीब मतलब बुरी बात, पर इस बंदे ने चेंज नहीं किया तो गंदी हालत हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। ये ख़त्म है, ये पूरा ख़त्म है, अब रुला दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। डागरा भेज दे रहा हूँ सीधा सा, क्योंकि मेरे को पता है उसका भी डागरा ही आएगा, जीमू वेस्ट हो चुका है मैं सलगे आलियों का, तो वो डागरा भेज के मेरे को सुलाने की कोशिश करेगा ताकि गेंगार के कर्स से मारा जा सके मेरे को, पर ऐसा नहीं होने वाला। मेरे पास भी एक डागरा है और ये मैंने सीधा मारा डार्कवर्ड, और डार्कवर्ड बोला जीमू ऑब्वियसली मैंने सुला दिया। अब मैं आराम से स्टिक्यूब डाल सकता हूँ, अब मज़ा आएगा। ये मैंने स्टिक्यूब डाल दिया और मैं क्या देख रहा हूँ, कॉपी कैट ने इससे भी कॉपी कर लिया, मतलब डार्क टाइप स्लीप टॉक इन लोगों के पास पहले नहीं था, जब से हम यूज़ करें तब से इन लोग का चल रहा है आजकल, ये कॉपी कर लिया है और बहुत कुछ कॉपी किया, मतलब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा सर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, पर आगे चल के इसके सलगैलियों को देखना उसके बाद पता लग जाएगा। बताओ हमें नूब नूब कहा जाता है, हमारे मूव्स कॉपी कर रहा है ये बंदा, हमें खुद नूब कहता है और हमारे मूव्स कॉपी करता है, बहुत कुछ कहता है पर फिर भी पता चल जाता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो आपके खुद के एक्शन ज़्यादा अच्छे स्पीक कर रहे हैं, तो मुझे बताने को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। टॉन्ट पड़ा है तो मेरा डागरा तो गया समझ लो, पर फिर भी टॉन्ट का असर खत्म हो चुका है, तो मैं स्लिप टॉक लगाता हूँ, पर इससे मेरे को लग ही रहा था यही कुछ होगा। एटलीस्ट नॉक ऑफ पड़ जाता ना मैं बहुत खुश होता, पर जाते जाते मैं नॉक ऑफ दे के जाना चाहूँगा। डार्क बोर्ड कोई ज़रूरत नहीं मेरे को डार्क बोर्ड की, नॉक ऑफ ही काफ़ी है, डार्क बोर्ड की ज़रूरत है ही नहीं मेरे को, तो नॉक ऑफ ही देना है। एक और बार नॉक ऑफ, थोड़ा भी डैमेज, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मैंने दे दिया। पहला नॉक ऑफ तगड़ा हिट होता है, उसके बाद वाले नॉक ऑफ उतने ज़्यादा तगड़े हिट नहीं होते, क्योंकि पहला नॉक ऑफ गजब का हिट होता है, गजब का। ट्राई करके देखना, आपको अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा। अब मैं आराम से अपने पोकेमॉन्स भेज सकता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से ही अपने गेंगार को भेज दिया, मेरे को लगा शायद उसका सलगैलियो आएगा और ये आया भी है। बस आर टू मूव होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्रिटिकल हिट देता है, तगड़ा हिट भी होता है, पर वो अगर नहीं है तो गया। वैसे भी मेरे को बस नॉक ऑफ ही मारना था, उसके बाद वाले काम तो मेरा स्टीलिंग से संभाल लेता, ड्रैगन टेल लगा लगा के। अब बस विलो वेस्ट और ये सलगैलियो डेड हो जाएगा और ये फ्लेम चार्ज, अब मैं बता रहा था ना कि देखते रहना पता लग जाएगा, इसके सलगैलियो पर फ्लेम चार्ज है और स्पेशल अटैक है तो काल माइंड होगा और कोई और सस्ता यहाँ डार्क पल्स होगा और रेस्ट या फिर मॉर्निंग सन। रिकवरिंग मूव्स नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब होगा, पर फ्लेम चार्ज है ना, देखो भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, सारी चीज़ें सेम टू सेम। एक और फ्लेम चार्ज, पर आपका फिजिकल अटैक टाइप पोकेमॉन है नहीं तो उतने हार्ड मतलब हिट होगा नहीं, वैसे भी फ्लेम चार्ज का जो पावर है बहुत कम होता है, बस एक स्टेटस टाइप मूव जैसा ही है, बस फिजिकल अटैक टाइप है तो उसका पावर इतना खास नहीं होता। और ये मेरा डाल दिया स्पाइक्स, ये तो काम ही खत्म है। मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ सलगैली पर लाके, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मतलब मैं एक और बार लालच में गया था कि स्पाइक्स ही गिरे और ख़त्म हो जाए। अब मैं सीधा मोबाइल भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है कि ऑब्वियसली सलगैली तेज़ हो जाएगा, बहुत बार फ्लेम चार्ज यूज़ हो चुका है, फ़ायदा है नहीं, तो मैंने भेज दिया अपने स्टीलिंग्स को और मैं मारूँ फिशर से, गंदा स्टेल करूँगा, मैंने कहा था ना फिशर से मारूँगा मैं, पर एक बार मैंने फिशर लगाया। अब मैं सोच रहा अगर मैंने फिशर से मार दिया तो कहीं अपने दोस्तों को जाकर ये ना बोले कि उसने फिशर से मार दिया, तो रहने देता, फिशर इस्तेमाल ही करेंगे, मेरे को ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसे पैर रखते हैं एक तरीके से। अब इसे मैं दिखाता हूँ ड्रैगन टेल लगा के, ये ड्रैपो पता है ड्रैगन टेल क्या करता है, ये करता है ये रोर जैसा ही है, बस एक फिजिकल अटैक टाइप मूव है। सामने है लुकारियो, मैं इसे भी ड्रैगन टेल लगा के बाजू हटाता हूँ, मैं रिक्स पूरा लूंगा, मेरे को पता है लुकारियो में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, हालांकि स्पेशल डिफेंस सीरियम्स नहीं है, पर एक एच पी तो बच के रहेगी मेरी स्टीलिंग्स की तो, और इतना हार्ड भी हिट नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ। अगर बिना स्पेशल डिफेंस सीरियम्स के मेरे देखे हुए लोग एक ही आर्टो मूव से अधमरा कर देते, तो एक ही एच पी बचती है, पर उसका इतना कुछ नहीं हुआ मेरे को। गेंगार आया स्लीप पे, इसीलिए मैं ड्रैगन टेल लगाया था रिक्स लेके कि मर जाएगा, अभी अगली बार आएगा तो अधमरा हो जाएगा, किसी भी पोकेमॉन का एक हिट उसका खेल खत्म, लुकायो डेड है। अब मैं बस दूसरा पोकेमॉन लेके आता हूँ अपने गेंगार को, ताकि उस गेंगार को मैं मार पाऊँ। अगर वो गेंगार उतरता है मैं इसे टॉन्ट लगाऊंगा, नॉकऑफ लगाऊंगा, विलो लगाऊंगा,
और उसे खा जाऊंगा। पर सामने कौन सा पोकेमोन आया? यू मैड ब्रो, डार्क राय। मैं तो हूँ नहीं, पर सच बोल रहा हूँ, इस बैटल के खत्म होने तक ना मैं रुला दूंगा आपको, सच बता रहा हूँ। बहुत गंदा स्टाइल करूंगा आपके अगेंस्ट। मैंने सोच रखा है मैं आपके अगेंस्ट क्या करूंगा, बस मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है। डार्क राय डेड है, एक ही जीमूव खा गया, मतलब बंदी का स्पेशल डिफेंस बहुत ही गंदा था। मेरा ऑफसूट गेंगार का स्पेशल अटैक बहुत कम है, 10K 11K के आसपास है, उतने में उसका उतना एचपी खा देना मतलब बंदा पूरा डिफेंस पे उतरा है, और ये ज़्यादा चौंकने वाली बात है नहीं। एक आयरन हेड सिर्फ काफ़ी होगा, एक ही आयरन हेड काफ़ी होगा, ये पट्ट से डेड है। बच्चे दो पोकेमोन, अब देखते हैं कौन है। फिलहाल के लिए मैं मोबाइल के साथ ही रहूँगा, जी मूव लगाना चाहता हूँ मैं, पर अगर मैं जी मूव लगाऊँगा तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सामने आ चुका है म्यूटू, और मैं यहाँ पर जी मूव तो लगाना ही चाहता हूँ, पर मैं सरग्यालियो भेज दे रहा हूँ क्योंकि इसका जी मूव आएगा और मैं चाहता हूँ वो वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए ना उसको, होनी चाहिए। अब ये हो गया, अब क्या लगा कि मैं सच में भी अपने मोबाइल को खड़ा रखूँ? नहीं, अगली बार देख लिया था कि आपका R2 म्यूटू मेरे से तेज़ है। मैं ये देख के चौंका था कि सिर्फ R2 है, फिर बाद में मैंने देख लिया कि नहीं, ये R2 के 1 है, तो 35 आई वैल्यू, ऊपर से एलॉय म्यूटू बहुत तेज़ भी होते हैं। और स्पीयर आपको क्या लगा, इस बार भी डाक राय भेजूंगा? नहीं, एक बार मेरे को पता चल गया और स्पीयर है तो मैं वो गलती नहीं करने वाला। अब जब तक ये खुद नहीं मरता मैं पोकेमोन चेंज नहीं करता, मैं आराम से अर्थ को एक ही मारूंगा। बल्कअप करने की जरूरत ही नहीं है भाई, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, और को एक मार मार के ख़त्म कर दूंगा मैं। एक और बार अर्थ को एक पूरा टाइम लूंगा, बहुत ज़्यादा डैम हरी अप, आई विल वेन फॉर श्योर, बहुत कुछ बोलूंगा, उसके बाद पूरा 10 सेकंड ख़त्म होने के बाद मैं अटैक करूंगा। ये एक और प्लेयर अप का पूरा डेड हो, मेरे को आपको भी लगाने की जरूरत नहीं है सर फ्लेम चार्ज, मैं नहीं चाहता आने वाले पोकेमोन अगर चेंज किया जाए तो मर जाए। अब मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, सॉरी अभी मैंने स्टीलिंग से नहीं भेजा था, पर मेरी उंगली चली गई मोबाइल पे, कोई ना जाने देते हैं। एक प्लेयर ऑफ लगाता हूँ, थोड़ा अधमरा करते हैं, वैसे अगर इसे भेज दिया है तो थोड़ा मॉर्निंग सन जो बचा है उसका उसे ख़त्म करते हैं। और ये फ्लेम चार्ज अब मैं चेंज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ जिंदा रहे, हालांकि मेरा मोबाइल तेज़ होगा पर मैं इसे ज़िंदा रखना ही देना चाहता हूँ, और मैं स्टीलिंग से भेजता हूँ। आप सोच रहे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सोच रहे होगे बहुत लोग सोच रहे, क्योंकि मारना मैंने उसे मारा क्यों नहीं, क्यों मौका दे रहा हूँ, मैं इसे तड़पा के मारना चाहता हूँ। ये बर्न हो गया है, ये बर्न हो चुका है, धीरे धीरे मर जाएगा, और इसकी स्पेशल अटैक भी इतना खास नहीं है, तो मैं बस यहाँ पे स्लीप टॉग यूज़ करूँगा। मैं बहुत वक्त इसे इस तरह से तड़पाऊँगा, बहुत ज़्यादा डैम आ रही है बोलूँगा इससे, मैं दिखाना चाहता हूँ कैसा फील होता है जब आप स्टेल करो, बहुत गंदा स्टेल करो। मैं लाइफ में आज तक ना किसी को ऐसा फील नहीं करवाया जैसे आज इस बंदे को करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे कर। कई ग्रुप्स में बोल रहा था जीतने के बाद कि ये और वो, देखो स्टेल करके जीतना बहुत ईजी होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इतना गंदा स्टेल मेरे को नहीं पता आज तक मॉन सेविकन के इतिहास में किसी ने किया होगा जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, पर ये बहुत गंदा कर रहा हूँ आपके साथ, पर आप डिजर्व करते हो। स्पाइक्स वोटरेस डार्क वॉइड मैं भी वही यूज़ करता हूँ, तो उनके साथ जितना ईजी हो जाता है, पर फेंकना नहीं चाहिए कि इसकी औकात नहीं, वो ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपकी औकात में आपको अटैक भी नहीं कर रहा, मैं स्लीप टॉक लगा रहा हूँ, इतना गंदा मैंने आज तक सच में किसी के साथ नहीं किया। तो होप गाइज आपको ये दर्दनाक वीडियो स्टेलर्स के लिए अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।